हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस दिया था डिफरेंशिबिलिटी से, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसी में से एक क्वेश्चन 14 नंबर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ। वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स, सो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू जीरो। ये गिवन वाई इज इक्वल टू जो है उसको मैंने लिखा, यहाँ तो क्लियर है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई बाई डी एक्स भी है यहाँ पर, इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की ओर चलते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कंस्टेंट रहेगा e टू की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव e टू की पावर एम एक्स होगा, और ये एम एक्स का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव 1 है और ये m कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा m हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 एम एक्स का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। प्लस सिमिलरली b कांस्टेंट है e टू की पावर एम एक्स यानी कि e टू पावर x का डेरिवेटिव e टू पावर x और एम एक्स का डेरिवेटिव सॉरी n है ना, यहाँ पर n है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। देखिए ये डेरिवेटिव हमें प्राप्त हो गया डी वाई डी एक्स, अगेन फिर निकालेंगे हम लोग, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या हो सकता है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर देखिए ये ए है, पूरे का डेरिवेटिव निकालना है एम ई टू दी पावर एम एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, ये एम ए है और एम है, हाँ तो क्या हो जाएगा ए, फिर ये ई टू ओवर एम एक्स डॉट एम यानी कि एम तो रह जाएगा कंस्टेंट भी, फिर देखिए हमें ई टू ओवर एम एक्स का डेरिवेटिव ई टू की पावर एम एक्स हो जाएगा, फिर एम का क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार से देखिए बी डॉट एन हो जाएगा, फिर ई टू की पावर एन एक्स और एन एन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलना है ए एम स्क्वायर ई टू की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू की पावर एन एक्स, डबल डेरिवेटिव हमें निकल गया। तो अब जो एल एच एस में कंटेंट है उसको लिखना है, एल एच एस इक्वल टू क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू जीरो चाहिए। इस ये जो आया इसको लिखिए ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन और डी वाई बाई डी एक्स जो आया है इसको लिखना पड़ेगा ए टू की पावर एम एक्स इंटू एम प्लस बी टू की पावर एन एक्स इंटू एन प्लस एम एन और वाई का पूरा वैल्यू ये वाला ए टू की पावर एम एक्स प्लस बी टू की पावर एन एक्स, इसको सॉल्व किया जाए तो क्या मिलने वाला है ए एम स्क्वायर टू की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर टू की पावर एन एक्स माइनस ए, इसको एम से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा ए तो रहेगा ही एम स्क्वायर, देखिए ए रह गया यहाँ इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इससे एम से, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर ए रह गया ई टू दी पावर एम एक्स, ये पूरा हो गया एम से, अब फिर एन से मल्टीप्लाई होगा नहीं, एन से मल्टीप्लाई किसको होगा इसी को होगा, एम से मल्टीप्लाई इसको हुआ तो फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, अब क्या हो जाना है एन यानी कि ए एम एन ए रहेगा एम एन रहेगा ई टू की पावर एम एक्स रहेगा, ये रहना है। यहाँ पर थोड़ा सा देखना है एम प्लस एन है और हमें डी वाई बाई डी एक्स का जो लेना है वैल्यू वही वैल्यू लेना है, डी वाई डी एक्स का ये वैल्यू है तो डी वाई बाई डी एक्स का एम प्लस एन और ये वैल्यू पूरा एम प्लस एन ए ई टू की पावर एम एक्स इंटू एम और बी ई टू की पावर एम एक्स प्लस एन यानी कि ये पूरा हो जाएगा ना, तब तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई फिर ये इसके साथ फिर ये इसके साथ, इस तरह से मल्टीप्लाई हमें देना होगा नहीं तो देखेंगे वही करेंगे। तो ये तो हमने यहाँ से इसका मल्टीप्लाई किया फिर इसको एन से भी किया, अब इसको इसके साथ करना है तो क्या देगा माइनस, देखिए बी से करना है तो यहाँ पर अब एम को इससे मल्टीप्लाई होना है नहीं, तो एम एन एम एन ये एन रहेगा
फिर बी ई टू दी पावर एन एक्स, फिर एन से होना है तो प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बी बी एन स्क्वायर कह सकते हैं, बी एन स्क्वायर, बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स प्लस माइनस माइनस है, ये माइनस एम के साथ मल्टीप्लाई हुआ कि टोटल माइनस के चलते सारे माइनस हो जाएंगे और एम एन क्या हो जाएगा यहाँ, ए एम एन ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स। अब देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, बी एन स्क्वायर वाला देखिए कहाँ मैटर है, ये यहाँ यहाँ है, और अब क्या होगा ए एम एन ई टू दी पावर एम एक्स, ए एम एन ई टू दी पावर एक्स एम एन एक्स, फिर देखिए यहाँ बी एम एन बी टू दी पावर एन एक्स बी टू दी पावर एन एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो गया आर एच एस हो गया। तो इसी तरह से थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है इसको निकालना है, फिर डी वाई बाई डी एक्स को निकालना है और यहाँ पर वैल्यू को पुट अप करना है, इसको यहाँ पर ब्रैकेट थोड़ा सा भूल गए थे, यहाँ पर ब्रैकेट लिखना है चूँकि एम प्लस एन तो है ही, लेकिन हमें क्या देना है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू देना है, एम प्लस एन डी वाई डी एक्स का वैल्यू ये पूरा है, इस पूरे को ब्रैकेट में लिखना है और तब इस एम को एक बार फिर एन को एक मल्टीप्लाई करके हम जब हम करेंगे क्रॉस तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे वो।